इस क्वेश्चन के अंदर टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन ऑपोजिट डायरेक्शंस हैव रिजल्टेंट ऑफ 10 केजी वेट. मैं क्वेश्चन तो इसमें कुछ करना नहीं है ज़्यादा, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जो फोर्स है, फोर्स के यूनिट होते हैं क्या है, पहले ये बताओ. न्यूटन होते हैं, जैसे 10 न्यूटन होते हैं. उसने बोला कि फोर्स की वैल्यू 10 केजी वेट है. ये केजी वेट सुना आपने, क्या होता है इसका मतलब? इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो क्या करूं, क्योंकि आंसर तो न्यूटन में चाहिए मुझे. ओके, 10 केजी वेट का मतलब 10 केजी मास है. इसके इक्विवेलेंट वेट क्या होगा? वेट का फॉर्मूला क्या होता है? एमजी. तो इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, एमजी हो जाएगा, न्यूटन बन जाएगा. तो पहले एक शॉर्टकट, ये वैसे ये कॉन्सेप्ट फोर्स में यूज होता है, अभी बता रहा हूं. वैसे अगर मान लो आपको 5 केजी वेट गिवन है, या फिर 50 केजी वेट है, या 50 केजी फोर्स है, केजीएफ, केजी फोर्स या केजी वेट गिवन है, और आपको इसको न्यूटन में कन्वर्ट करना है कभी भी, इसको 9.8 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर न्यूटन में आ जाएगा. ये फोर्थ चैप्टर में यूज होता है, तभी बता रहा हूँ. तो अगर कहीं और यूज हो जाए, कम से कम पता हो कि न्यूटन में कन्वर्ट किया जा सकता है. उसी तरीके से अगर फोर्स की वैल्यू 30 ग्राम वेट है, ग्राम वेट है, या फिर 30 ग्राम फोर्स है, ग्राम फोर्स है, तो आप इसको अगर CGF चल रहा है 980 से मल्टीप्लाई करें, तो आपका आंसर किस में बन जाएगा? इन डाइम्स बन जाएगा. तो ये आने वाले टाइम में कहीं भी कन्वर्जन यूज हो सकती है. हालांकि इस क्वेश्चन में मुझे नहीं चाहिए, मेरा आंसर केजी वेट भी मुझे चाहिए, पर मैं बता रहा हूं कि ये फोर्स के यूनिट ऐसे कन्वर्ट किए जा सकते हैं. क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई डाउट इसमें? अब क्वेश्चन क्या है? टू फोर्सेज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन का मतलब मान लो दो फोर्सेज हैं, दोनों का डिफरेंस कितना गिवन है? 10. व्हेन टू फोर्सेज आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो नेट रिजल्टेंट क्या होता है? बड़ी में से छोटी फोर्स को माइनस कर दो. मुझे पता नहीं कौन बड़ा कौन छोटा, तो मैंने F1 को बड़ा मान लिया, तो F1 माइनस F2 इज इक्वल टू 10. इफ दे एक्ट एट राइट एंगल टू ईच अदर, तो अगर ये F1 है, ये F2 है, और द रिजल्टेंट इज 50, तो रिजल्टेंट यहाँ पर कितना है? 50. यानी कि अंडर रूट ऑफ F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर की वैल्यू कितनी है? 50. इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आंसर आ जाएगा. कितना आंसर आ रहा है? 40 और 10, 40 और 30. हाँ, 40 और 30, ठीक है, 40 30. क्यों? आप सोच रहे हैं कि कैसे कैलकुलेट हो रहा है, वो पाइथागोरस से कैलकुलेट हो रहा है. ये 50 आ रहा है ना, तो 40 और 30 ही होगा, तो 40 में से 30 गया, 10 है, पता लग ही रहा है, तो 40 30 है, तो आंसर 50 है. सोल्व क्या करना, हो ही गया, सही है ना? तो एक फोर्स 40 है, एक फोर्स 10 है. समझ में आ रहा है क्या करना है इसमें? कोई डाउट इसमें? ये क्वेश्चंस क्लियर हैं, इनको सॉल्व करना है. पहला तरीका, F1 को पुट कर दो, 10 प्लस F2 यहाँ पुट कर दो, स्क्वेयरिंग कर लो, क्वाड्रेटिक बनेगी. दूसरा लॉजिकल कि इसका स्क्वायर करो, स्क्वायर करके 2500 आ रहा है, 2500 या 50 आ रहा है अंडर रूट. तो पाइथागोरस क्या कहती है कि अगर ये एक 40 होगा, एक 30 होगा, तो आंसर 50 तभी आएगा ना, और 40 में से 30 गया तो आंसर 10 आएगा, 40 और 30 ही आंसर होगा. वह गलत है, उसमें एक और आंसर है, 40 एंड 30 है, दो आंसर आने चाहिए उसमें, ठीक? नहीं तो क्वाड्रेटिक से कर लो, तब भी कोई बात नहीं.